हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग मेरा काफ़ी दिनों बाद आया है और आने का मैं रीज़न बताऊंगी आपको कि इतने दिनों बाद मैंने क्यों मतलब अपना ये व्लॉग बनाया है। और मेरे पास मेरे फ्रेंड के मैसेज भी आ रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है आपका, कि आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या रीज़न है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो अपना मैं घर दिखा रही हूँ, रीज़न सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ पर कारपेंटर लगे हुए हैं और काफ़ी दिनों तक चलेगा ये काम अभी। और यहाँ पे जितना भी वुड वर्क है हम वो कंप्लीट करवा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखो पूरा ही घर मेरा फैला हुआ है। तो और मेरी थोड़ी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती है, मैं बिल्कुल बिज़ी हूँ, नहीं बना पा रही हूँ मैं बिल्कुल। जब ये एक बार ये सारा काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ रेगुलर रखूँगी। और यहाँ पे ये देखो, ये अलमीरा में हमने ये वाला कलर लगवाया है। और यहाँ पे ये जो सामान रखा है सब डस्ट में हो रहा है मेरा सामान, आपको मैं ये दिखा रही हूँ। सिर्फ ये इसीलिए दिखा रही हूँ कि मेरे पास मेरे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे कि व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो आप, नहीं आ रही हैं। तो सिर्फ इसी वजह से मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि मेरे घर में देखो क्या हालत हो रही है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ये स्टडी रूम में हमने ये वाला कलर डिसाइड करा है, तो अभी यहाँ पर भी ये बनना बाकी है। बच्चों का ये बुक रैक वगैरह जो हमें बनवाना है मतलब, वो चीज़ें भी रहती हैं। जब ये पूरी तरह कंप्लीट होएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये पूरा ही सामान मैं आपको अब ये बेडरूम का दिखाती हूँ। देखो इधर मेरे कपड़े सब कुछ ऐसे ही फैले हुए हैं, कुछ मतलब मैं कितना भी कर लूँ अभी नहीं हो पाता है। और ये पूरे ही घर में फैला हुआ है, जब जैसे कि वुड कटती है तो उसका जो बुरादा सा जो होता है वो भी उड़ने लग जाता है। और ये सबसे ऊपर वाला रूम है मेरा, यहाँ पर आपको ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, ब्राउन और वाइट यहाँ पे ये बनानी है इस एलमीरा का। और अभी इसका सिर्फ ये फ्रेम बना के रखा हुआ है, लगेगा अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और सच में बिल्कुल भी मुझे नहीं मिल रहा है टाइम, यही रीज़न है कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। पूरे ही घर में सब ये फैला हुआ है। और नीचे के फ्लोर में तो आपको पता ही है मेरी सिस्टर रहती है, और फिर मेरी कज़न की मैरिज भी है, कज़न सिस्टर है। तो वहाँ पर सामान इधर उधर फैला हुआ है तो कुछ ढंग से मैं तैयार भी नहीं हो पाई। तो यहाँ पे मैं आपको अपना लुक दिखा रही हूँ, मैरिज में जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और कुछ सामान नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो ये ड्रेस देखो मैंने डाली है, और पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ लेकिन बस हो गई मैं तैयार। और रिशिता की ये वाली ड्रेस है, फर्स्ट टाइम रिशिता ने ये ऐसे गाउन डाला है, वरना रिशिता जीन्स टॉप ही ज़्यादा डालती है। और ये शिवेल का ही है ड्रेस। और पूरा घर आप मेरा देख ही रहे हैं, कैसे सामान इधर उधर है, कोई टाइम पर मिल भी नहीं रहा है सामान कि कहाँ पे क्या है। तो बस, और मैरिज में भी हम उसको टाल नहीं सकते थे मैरिज को, क्योंकि मेरी कज़न है, जाना हमें ज़रूरी था, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हूँ। और ये मैं आपको नेल पेंट इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं नेल पेंट लगाना भूल गई थी, तो मैं अपने साथ ही रख लाई थी कि मैं गाड़ी में बैठ के लगा लूँगी। तो बस गाड़ी में मैं नेल पेंट लगाऊँगी। और ये मास्क मैंने थोड़ा कान पे लगा लिया था ऐसे ही मास्क, क्योंकि बाहर वो ट्रैफिक पुलिस वाले मिल जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा अपनी भी सेफ्टी ज़रूरी है, मास्क मैंने लगा लिया था। और पीछे आयुष, ऋषिता, शिवेल सब ये बैठे हुए हैं। और बस अब निकल रहे हैं हम शादी के लिए। और यहाँ पे देखो हमें CNG भरवानी थी तो बच्चे भी उतर गए थे। और यहाँ पे मैं आपको दिल्ली में ये दिखाना चाहती हूँ, थोड़ी थोड़ी मैंने रिकॉर्डिंग की है, ज़्यादा नहीं करी है, थोड़ा बहुत ही। तो यहाँ पे आपको ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं इसको सिग्नेचर ब्रिज बोलते हैं, दिल्ली वाले तो सब जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं है उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ का ये देखो सिग्नेचर ब्रिज है। तो यहाँ से हम ये जा रहे हैं और बस ऐसे ही है। और हमें जानना था वज़ीराबाद, जो हमारे घर से करीब 2 घंटे का टाइम लग, 1.5 या 2 घंटे इतना टाइम लगता है। और ट्रैफिक अगर मिल जाता है तो थोड़ा और फालतू टाइम लगता है जाने में, वज़ीराबाद जाना था। तो बस हम ये निकल लिए हैं। और यहाँ पे ये देखो यहाँ की भी मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली है, ये पार्टी लॉन में हम आ गए हैं। तो थोड़ी सी यहाँ की भी डेकोरेशन मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरह से डेकोरेशन है यहाँ की। और ये शादी दिन में ही थी, नाइट में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे नाइट में दूसरी बारात आनी थी, तो इसलिए यहाँ पे दिन में ही हमने रखी है। और ये जो आप ये पूरा ये लॉन देख रहे हैं पार्टी लॉन, तो ये जो मेरा कज़न है उसका ही है, और ये उसका यही काम है
कि यही काम करता है वो, तो इस वजह से दिन में ही हमने रख ली थी। और ये आप डेकोरेशन देखो, कुछ इस तरह से डेकोरेशन है यहाँ की। तो मैंने थोड़ी बहुत जो रिकॉर्डिंग करी थी, और ये मेरा कज़न है, और बस मैं इसके आप मिलवाना चाहती हूँ आपसे। इसके ऊपर बहुत जल्दी जिम्मेवारी बहुत सारी आ गई है। और ये यहाँ पे एंट्रेंस है, जो भी थोड़ी बहुत मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। बहुत टाइम बाद मैंने बनाई है। यहाँ पे ये एंट्रेंस कुछ ऐसा है, इस तरह से यहाँ पे एंट्रेंस है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे बस थोड़ा सा ये बारात का वेट कर रहे हैं, उसके वेलकम के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पे सभी लोग, थोड़ी हंसी मजाक भी चल रही है, तो आप ये देखिए। तो यहाँ पे सभी गेट पे खड़े हुए थे बारात का वेलकम करने के लिए, और यहाँ पे देखो बारात आ गई है, सभी नाचते कूदते आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर दी है, आप भी एंजॉय कीजिए, देखिए आप भी, आप मुझे बताना कैसी लगी है ये आपको। और यहाँ पे देखो दूल्हा भी, थोड़ा सा मैंने कर लिया है रिकॉर्ड, आप ये देखिए। और बस ज़्यादा देर के लिए हम नहीं गए थे, 2-3 घंटे रुके थे, फिर हम वापस हो गए थे। और इधर ये मेरी मम्मी, भाभी जी, पापा, बच्चे भी आए थे सारे, लेकिन वो आते नहीं हैं वीडियो में। और यहाँ पे देखो दुल्हन भी आ गई है, मेरी सिस्टर है ये। तो थोड़ी थोड़ी सब रिकॉर्डिंग कर ली थी, और भी करी थी मैंने, लेकिन फिर ये ना सबको वीडियो में आना पसंद नहीं होता है, तो मैंने कट कर दिया है वो। और यहाँ पे ये सबको ये मिठाई मिली थी, ये डिब्बा मिला था सबको, इसका जो ये जो कवर देख रहे हो गोल्डन कलर का, बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे, मैंने सोचा ये भी आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सोना मिठाई वाले हैं, उसकी मिठाई अच्छी होती है, टेस्टी होती है काफ़ी। तो यहाँ पे जो शादी में देते हैं सबको, तो शिवेल को लग रही थी कि मम्मा जल्दी जल्दी खोलो दिखाओ क्या क्या है, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। ये देखो कैसे था मिठाई यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, बस व्लॉग का भी मैं एंड कर देती हूँ, तो प्लीज़ मेरे जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर एंड करती हूँ मैं, टेक केयर।